सूरत की बहुत ही फेमस स्ट्रीट फूड के बारे में बताएंगे, कैसे वो बनाया जाता है। इसका नाम है हरियाली पाव भाजी, या आप ग्रीन पाव भाजी भी कह सकते हैं। तो सूरत की ये फेमस पाव भाजी कैसे बनती है, तो चलिए फ्रेंड्स आपको हम बताते हैं। सबसे पहले पैन लेंगे, इसमें हमने 2 चम्मच बटर डाल दिया है। अब 2 चम्मच हम ऑयल डाल देंगे और 1 बड़ा प्याज काट कर बारीक कटा हुआ ये डाल देंगे। दोस्तों देखिए प्याज अच्छे से हो गया है, अच्छा अच्छे से क्या, इसको बस हमको पिंक सॉफ्ट करना है। अब हम 1 शिमला मिर्च काट के डाल देंगे, इसको भी थोड़ा सा पकने देंगे, एकदम धीमे आंच पे। अब इसमें ये 3 हरा टमाटर है, इसको चॉप करके डाल दीजिए बारीक कटा हुआ है, और 1 टेबल स्पून इसमें नमक डाल देंगे। और अब टमाटर को पकने देंगे ढककर। दोस्तों देखिए अब ये टमाटर सॉफ्ट हो गया है, सॉफ्ट होने तक ही पकाना है हमें। अब हम इसमें हरा प्याज बारीक काट कर 1/2 कप डाल देंगे। और 1/2 कप कैबेज पत्ता गोभी, अब इसे थोड़ा सा पकाएंगे, धीमी आंच पे ही पकाना है आपको, फ्लेम को तेज मत कीजिएगा। देखिए दोस्तों आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है, अब ये हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे लहसुन है और धनिया और हरी मिर्च और अदरक। इसमें हमने धनिया लिया 1/2 कप और खूब सारा लहसुन लिया है, 3-4 हरी मिर्च, मिर्च आप अपने अनुसार रखिएगा, 1 इंच अदरक का टुकड़ा है लेके इनको मिक्स कर पीस लिया अच्छे से। अब इसे पकाएंगे अच्छे से, भून लेंगे। दोस्तों हरा लहसुन लेना है, अगर आपके पास हरा लहसुन ना रहे तब आप कच्चा लहसुन जो आता है सूखा हुआ वो ले सकते हैं। हमने हरा लहसुन लिया है खूब सारा, और धनिया, मिर्चा, मिर्चा भी आप अपने अनुसार से रखिएगा, जैसे बता चुके नमक मिर्चा तो आप अपने टेस्ट के अनुसार ही रखिएगा, और अदरक 1 इंच टुकड़ा है। इन सबको मिक्सर में पीस करके पेस्ट बना लेना है। अब इसे पकने देंगे फ्रेंड्स। दोस्तों हमने ये 3 बड़े साइज के आलू बॉयल किए थे, और 1/2 कप हरी मटर जिसको मैंने मैश कर लिया है उसको इसमें मिला देंगे अच्छे से। फ्रेंड्स अब इसमें खूब सारा हरा लहसुन काट के डाल देंगे। अगर आप नहीं खाते हैं तो आप इसको अवॉइड भी कर सकते हैं, लहसुन मत डालिए, लहसुन प्याज नहीं डालेंगे तो भी ये हरा हरियाली पाव भाजी बन सकता है। अब इसे अच्छे से भूनेंगे, पका लेंगे अच्छे से इसको भी। 1/2 टीस्पून है ये हल्दी, अब इसे पकने देंगे धीमी आंच में, 5 से 7 मिनट पकाएंगे। दोस्तों अब इसमें पालक है, ये हमने 150 ग्राम लिया था, बॉयल किया, फिर इसका कलर से ग्रीन बना रहे इसके लिए मैंने ठंडे पानी में डाल के फिर मिक्सर में पीस लिया है, ये डाल देंगे और इसे भी अच्छे से पकाएंगे। दोस्तों आप लहसुन और प्याज डाल रहे हैं तो अच्छे से पकाइएगा, क्योंकि उसका कच्चा टेस्ट नहीं आना चाहिए। अब इसमें ये 2 बड़े चम्मच पाव भाजी मसाला है, इसे भी डाल के पकाएंगे अच्छे से, चला लीजिए। पाव भाजी मसाला डालने के बाद आपको 1 कप ये गर्म पानी है 1 कप डाल दीजिए, और डाल के अच्छे से चला लीजिए। दोस्तों अब इस पे 1 चम्मच बटर और डाल देंगे, और थोड़ी सी धनिया डाल देंगे, और इसे 2-3 मिनट और पका लेंगे। बटर हमने टोटल 3 चम्मच डाला है, आप चाहें जितना भी डाल सकते हैं, क्योंकि बटर से इसमें टेस्ट बहुत अच्छा आता है और शाइनिंग भी आती है। तो चलिए अब सर्व करते हैं, हमारा हेल्दी पाव भाजी अच्छे से तैयार हो गया है।
देखिए फ्रेंड्स, ग्रीन पाव भाजी बन के तैयार है। हरियाली पाव भाजी सूरत की फेमस स्ट्रीट फूड ग्रीन पाव भाजी। तब आप भी अपने घर में बनाइए, फ्रेंड्स और रिलेटिव को खिलाइए और एंजॉय कीजिए। अब आपको सूरत जाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने घर में ही सूरत को ला सकते हैं ग्रीन हरियाली पाव भाजी बनाकर। तो फ्रेंड्स, जल्दी ही मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो पे। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। छोटी सी बेल आएगी फ्रेंड्स साइड में, उसे बजाना मत भूलिएगा, जिससे हमारे नए वीडियो आपको जल्दी मिलते रहेंगे। जब भी नए वीडियो जाएंगे आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।